नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और हर हफ्ते की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं टेक दिस वीक। और आप जानते हैं कि इस एपिसोड में मैं आपको देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज़ दिखाता हूं। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं कि इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हुआ खास। एप्पल के नए आईफोन्स को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है। कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कोई कुछ, पर अभी हाल ही में कंपनी ने एक टीज़र जारी किया है जिसमें कंपनी ने साफ तौर पर बता दिया है कि 12 सितंबर को कंपनी यूएस में अपने नए आईफोन्स लॉन्च करने वाली है। खबरों की माने तो इस बार कंपनी 3 स्मार्टफोन्स को नॉच डिस्प्ले के साथ पेश कर सकती है, यानी 6.1 इंच का एक फ़ोन होगा जिसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और दो फोन्स जो होंगे वो 5.8 इंच और 6.5 इंच के हो सकते हैं, और उनमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। अब हालांकि इनके नाम पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार आईफोन्स जो हैं वो 11 XS और XS प्लस के नाम से लॉन्च किए जा सकते हैं। अब आजकल आप देख सकते हैं कि नॉच डिस्प्ले वाले कई सारे स्मार्टफोन्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, पर कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जो कि आपको नॉच हटा के एक फुल विजन डिस्प्ले मुहैया करवा रही हैं जो कि पूरी तरह से बेजलेस है, जिसकी शुरुआत वीवो और ओप्पो ने ऑलरेडी कर चुकी है, और अब इसी रेस में ऑनर ने भी कदम रख दिया है। जी हाँ, आईफा 2018 जो कि बर्लिन में हो रहा है, वहाँ पर ऑनर ने अपने नए स्मार्टफोन मैजिक 2 का एक टीज़र शोकेस किया है, जिसमें कंपनी ने दिखाया है कि ये फ़ोन जो है पॉप आउट कैमरा के साथ आएगा, जो कि काफ़ी हद तक ओप्पो फाइंड एक्स की तरह दिखता है, यानी इसमें भी आपको पूरी तरह से एक बेजलेस डिस्प्ले मिलेगा। हालांकि इस फ़ोन के बारे में कंपनी ने और कुछ अभी जानकारी नहीं दी, पर यह ज़रूर बताया है कि ये फ़ोन जो है कंपनी के अपकमिंग प्रोसेसर हाई सिलिकॉन किरण 980 पर चलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट ऑनर मैजिक 2 ओप्पो फाइंड एक्स से ज़्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए। अब इस हफ्ते इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में ही बता रहा हूँ, और आपको बता दूँ कि ऑनर के अपने नए मैजिक 2 के टीज़र के जस्ट बाद ही शाओमी के प्रेसिडेंट ने भी वीवो वेबसाइट पर अपने नए स्मार्टफोन मी मिक्स 3 का एक टीज़र जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन भी इस बार एक पॉपअप कैमरा के साथ आएगा। हालांकि इसका जो पॉपअप मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, और कंपनी ने बताया है कि ये स्लाइडर होगा जो कि आप पहले के फोन में देख चुके हैं, साथ साथ इसका ईयर पीस भी है जो वो पॉपअप वाले हिस्से में दिया जाएगा। तो अब आपको स्क्रीन पे कान लगा के आवाज़ को सुनने की कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट इस बार इसके जो रूमर्ड स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं वो भी काफ़ी दमदार लग रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट, 6GB और 8GB रैम मॉडल्स के साथ आपको इसमें 2K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। Xiaomi की तरह ऑनर भी स्मार्टफोन मार्केट में अपने एक के बाद एक नए स्मार्टफोन लेके आती जा रही है। अभी कुछ समय पहले कंपनी ने इंडिया में ऑनर प्ले और ऑनर 9N को लॉन्च किया था, वहीं अब कंपनी ने इनवाइट जारी किया है जिसमें कंपनी ने लिखा है कि वो 5 सितंबर को चाइना में अपना नया स्मार्टफोन ऑनर 8X मैक्स लॉन्च करने के लिए तैयार है। और अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें आपको बैक साइड पर डुअल रियर कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ माना जा रहा है कि ये फ़ोन इस बार वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें आपको 7.12 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले, 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल सकती है। अब इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पर नजर डालें तो इस हफ्ते माइक्रोमैक्स के सब ब्रांड यू ने फाइनली अपना एक नया स्मार्टफोन भारतीय बाजार में पेश कर दिया है, जिसका नाम है यूएस। हालांकि एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है, लेकिन स्पेसिफिकेशन आपको इसके डिसेंट ही लगेंगे। तो आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलेगा 5.45 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, 2GB की रैम है, 16GB की इंटरनल स्टोरेज है, मीडियाटेक का 6738 चिपसेट दिया गया है, साथ साथ इसमें 13MP का रियर कैमरा है, 5MP का फ्रंट कैमरा है, 4000mAh की बैटरी दी गई है, और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इसके बैक साइड पर आपको मिल जाता है। अब हालांकि कंपनी ने 2GB रैम मॉडल की कीमत तो रिवील कर दी है जो कि 5999 है, लेकिन 3GB रैम वाले वेरिएंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओप्पो के सब ब्रांड Realme ने भी फाइनली भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme 2 पेश कर दिया, जो कि कहने को अगर आप देखेंगे तो नाम के अकॉर्डिंग आपको Realme 1 का सक्सेसर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सेपरेट यूनिट है, और इसी वजह से कंपनी ने इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो Realme 1 से कुछ ज़्यादा एनहांस नहीं किए,
जी हाँ, इस फोन में आपको मिलता है 6.2 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। इस फोन को कंपनी ने स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट पर मुहैया करवाया है। इसके दो मॉडल्स हैं, 3GB रैम के साथ 32GB की स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज। साथ ही साथ इसमें आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रेट सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है और 4230mAh की बैटरी दी है। साथ ही साथ इसमें इस बार आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और इस फोन की शुरुआती कीमत है 8,990 रुपये। जब आप इसको अगर फोन को खरीदेंगे HDFC कार्ड का जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको 750 रुपये का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। वीवो अगले हफ्ते अपना एक और नया स्मार्टफोन लेके आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ओप्पो ने वाटर ड्रॉप डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन F9 Pro लॉन्च किया था और अब वीवो भी V11 Pro लेके आने वाली है जो कि वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आएगा। इस फोन की अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें आपको 6.41 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट, 3400mAh की बैटरी और 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज़ से रूबरू हो गए होंगे, पर फिर भी अगर आपको इन न्यूज़ को लेकर कोई भी क्वेरी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दे दिए हैं। आप वहाँ पर क्लिक करके इन न्यूज़ को हमारी वेबसाइट पर जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको फिर भी किसी और फोन को लेकर क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो इन दी गई ID पर जाकर जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल IDs मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।